भाइयों ने ऑनलाइन आईटी फीस पे की है और उनके पैसे कट गए हैं, लेकिन यहाँ से जो है वो फीस नहीं कटी है, उनको स्लिप नहीं मिली है। जैसे कि आपकी आईटी फीस कर लो और क्वार्टर फीस कर लो, दोनों एक ही होती है, लगभग एक ही तरीका होता है उनको काटने का। तो आज आपके लिए मैं एक्सक्यूज लेकर आया हूँ, जैसे कि आपकी जो वो कटे हुए पैसे हैं वो दोबारा आपके पैसे नहीं लगेंगे और उन्हीं में आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या करना है आपको, एक मेल करनी है आईटी वालों को कि मेरे पैसे कट गए हैं लेकिन मेरा जो ऑनलाइन फीस है वो नहीं कटी, मुझे रसीद नहीं मिली। उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको वेबसाइट में आ जाना है, मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप उनसे भी कर सकते हैं। तो नीचे उनकी एक मेल दी हुई है, ये देख लीजिए ये वाली, इस मेल पे आपको एक मेल करनी है ताकि जो आपका सोल्यूशन वो हो जाए। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मेल है ना, इनका टाइम दिया हुआ है 9 से 5 ऑल वर्किंग डेज, आपका सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा आपको। आपको मेल करते ही 1 या 2 दिन में जो आपकी रसीद है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और उनका मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी जो फीस वो कट गई है। तो मेल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मेल वाला ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि मुझे टाइप करना है। तो आप किसके पास जो है फीस, किसके पास जो है आप भेजना चाहते हैं, तो मैंने उस वेबसाइट का जो कॉपी कर लिया मैंने, ये देख लीजिए। इतना करते ही सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, आईटीआई फीस, आईटीआई फीस इतना लिखना है आपको। और उसके बाद में ओके, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ये देख लीजिए, हेलो सर, आपको अपना नाम लिखना है कि मेरा नाम ये है, मेरी जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो ये है, और सर मैंने आईटीआई, या तो आप यहाँ पे जो 590 रुपये फीस कटती है वो यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने जो आईटीआई फीस है 590 रुपये वो भुगतान कर दिया है ऑनलाइन, या फिर फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या फोर्थ क्वार्टर की जो फीस है इतने रुपए है वो मैंने कटवा दी है। तो वो यहाँ पे इधर लिखने के बाद, लेकिन आईटीआई वेबसाइट पर मुझे भुगतान नहीं हुआ, इनका कहने का मतलब है जो आईटीआई जो फीस है उनकी जो मुझे रसीद है वो नहीं मिली, प्राप्त नहीं हुई ऑनलाइन है, तो कृपया मेरी मदद कीजिए। आपको नीचे जो स्क्रीन शॉट है वो भी आपको डालना है ताकि आप जो भी गूगल पे से आप फीस पे करते हैं उन पर एक स्क्रीन शॉट आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उनमें रजिस्ट्रेशन आईडी संख्या दी हुई होती है, एक मिनट, आप साइड में देख सकते हो इस तरह का एक स्क्रीन शॉट आ रहा है, तो वो आपको जो है स्क्रीन शॉट यहाँ पे नीचे डालना है, अटैच करना है, आप कोई सा भी अटैच कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि एक तो आपकी जो पैसे कटने की जो संख्या होती है, वन सेकेंड, इसमें आपकी वोटर आईडी और जो एडमिशन आपकी जो फीस है वो सक्सेसफुली कट गई है, उसमें आपको वोटर नंबर दिए हुए होते हैं जिससे कि वो मैच करते हैं कि इस बंदे ने ये जो फीस है वो कटवा दी है और ऑनलाइन उन्हें रसीद प्राप्त नहीं हुई यूपीआई मदद से। उसमें मोबाइल नंबर, बैंक, आपको एक मेल के साथ एक जो है अटैच करनी है स्क्रीन शॉट, जिसमें कि आपकी जो फीस कटी हुई है, ऑर्डर नंबर, सब कुछ दिया हुआ होता है, ट्रांजेक्शन आईडी जिसे आप बोल सकते हो, वो उनके पास सेंड करनी है साथ में मेल के साथ है, और उसके बाद में आपको मेल कर देनी है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू। आपको 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने भी पिछली बार ऐसा किया था, लेकिन मुझे जो है 24 घंटों के अंदर अंदर वापस आईटी वालों का मैसेज आ गया था कि आपकी सर आप रसीद डाउनलोड कर सकते हैं, हमने आपकी जो फीस है वो कन्फर्म कर दी है, थैंक यू।